मित्रों आप सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों कहते हैं ना कि जब मामला राष्ट्रीय लेवल पर जाता है और जो लोग ये कहते हैं कि अन्नू त्रिपाठी का क्या चैनल क्या कर लेगा क्या नहीं कर लेगा, तो आज मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस चैनल की ये बहुत बड़ी जीत है कि आज सरकार अगर हिल जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको पेपर की कटिंग दिखा दे रहा हूँ जिसमें दिल्ली सरकार ने 8, 9, 10 तारीख को रोक लगा दिया कि कोई मतलब वो नहीं होगा और छुट्टी रहेगी। लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं है, ये तो आपको भी पता होगा। तो हम फिलहाल आज जा रहे हैं दिल्ली और वहाँ पर परमिशन कराने का मैं काम करूँगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि परमिशन तो होके रहेगा, चाहे वो छुट्टी करें या जो मनाए वो करें। तो ये सबसे बड़ी जीत है कि अब आपकी गूंज दिल्ली तक हर जगह पहुंच चुकी है। सबको पता है कि जंतर मंतर पर भव्य बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि मैं भी 1.5 महीने से चिल्ला रहा हूं चैनल पर। तो किसी न किसी अधिकारी ने देखा होगा, किसी न किसी नेता ने देखा होगा, उसने कहा होगा कि भाई इसको कुछ जुगाड़ लगाओ न, वरना चौकीदार आकर के बंटाधार कर सकते हैं सरकार का। तो भैया फिलहाल सरकार चाहे जितने प्रयास कर ले, हम हार मानने वाले में से नहीं है, क्योंकि हम अन्य लोगों की तरह बात नहीं करते कि फेंक दें हवा में और कुछ बस का ना हो। फिलहाल हम लोग आज जा रहे हैं और वो समय सीमा है, सब वही रहेगा और हम लोग परमिशन लेकर लौटेंगे। लेकिन पेपर की कटिंग आप जरूर ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई ये पेपर देख लेना और जाकर के गूगल पर सर्च कर लेना, 8, 9, 10 तीन दिन के लिए दिल्ली को बंद किया गया है, इसका कारण क्या है? तो सरकार थोड़ा घबरा चुकी है, उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव का समय है माहौल गर्म हो जाए। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं है, ये सबसे बड़ी आपकी कामयाबी है। अगर कहीं ना कहीं सरकार डर रही है और कहीं ना कहीं कुछ करे, तो ये समझ लीजिए कि आप एक कामयाबी के शिखर पर चल रहे हैं। मित्रों इसमें भी कुछ आपके नेता लोग राजनीति करने लगेंगे, अरे अनुमान ने तो 7 से 9 करी, अब 9 के बाद देखो दिल्ली बंद हो गया। अरे अच्छी बात है भाई, बंद हो गई, कम से कम ये तो है आवाज तो पहुंच रही है हमारे ग्राम प्रहरियों की। लेकिन प्रदर्शन होगा, मतलब होगा, मतलब होगा। हम हार मानेंगे नहीं, नहीं मानेंगे मतलब नहीं मानेंगे। तो आप लोग किसी भी तरह ये मत सोच लेना कि प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन होगा। मैं आज जा रहा हूं दिल्ली, कल की डेट में आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी कि किस दिन आपको पहुंचना है। फिलहाल डेट जो भी रहेगी 9 तारीख के आसपास ही रहेगी, किसी कारण बस हो सकता है थोड़ा एक आध दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन 9 तारीख तो कन्फर्म है। चलिए मित्रों इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।